जय हिंद गाइस, आफ्टर द पेंडेमिक कोरोना ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट अराउंड 186 कंट्रीज आर बीइंग इफेक्टेड एज रिपोर्टेड बाय यूनेस्को। और जब भी हम एजुकेशन को लेके अपनी अथॉरिटीज से क्वेश्चन करते हैं, उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है, पढ़ाई चलते रहिए ऑनलाइन। और इसको लेके काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, उमंग ऐप, स्वयं प्रभा ई क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों की पढ़ाई चल ही रही है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट, PDF, लिंक्स, काफ़ी सारा डाटा बच्चों के लेवल को चाहा जाता है। बट अब मैं प्राइवेट स्कूल और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से हट के गवर्नमेंट स्कूल की बात कराता हूँ। मैंने जो अपने आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल देखे हैं, उनकी हालत देख के मुझे नहीं लगता कि वहाँ मोर देन 20% से ज़्यादा, यानी कि 20% से सिर्फ 20% ऐसे बच्चे होंगे जो स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं। स्मार्टफोन आएगा तभी व्हाट्सएप चलेगा, तभी पढ़ाई चलेगी। और बाकी की पढ़ाई के बारे में जानने के लिए आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो भी उन बच्चों की जो स्मार्टफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड स्मार्टफोन आर ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। उनमें से कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, जिसके बारे में न्यूज़ चैनल से भी काफ़ी चर्चा की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, टेक्निकल इश्यूज़। हम सबको बताइए कि हमारे कंट्री के अंदर कुछ अभी भी ऐसे स्टेट्स हैं जीएनके जैसे, जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चों तक जो टीचर असाइनमेंट भेजते हैं, डाटा भेजते हैं, वो पहुँच ही नहीं पा रहा है। और जिन बच्चों को डाटा पहुँच रहा है उनमें, और जिन बच्चों में नहीं पहुँच रहा है उनमें पहले ही एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। दूसरी चीज़, इसके बाद एक और बहुत बड़ा इशू है जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी इशू। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी फेस कर रहे हैं। अभी हमारे कंट्री के अंदर ऐसे काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं हैं। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जहाँ टीचर कुछ इशू फेस कर रहे थे अपने सिस्टम को लेके, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऑल्ट प्लस F4 दबा के एंटर दबा दो, सिस्टम चल जाएगा। जैसे टीचर ने दबाया, स्क्रीन ऑफ हो गई ऑनलाइन क्लासेस। तो हर क्लासेस में कुछ ऐसे इंडिसिप्लिन एलिमेंट्स भी रहते हैं, ऐसे बच्चे भी रहते हैं। और जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास चलती है, तो ऐसे ही बच्चे उन बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे एक बच्चे को मैं भी जानता हूं जिसका नाम है गोलू अरगलू। ये गोलू है, ये 5th क्लास में पढ़ता है और अपनी व्हाट्सएप क्लासेस से ये इतना परेशान हो गया है कि एक दिन इसने मुझे बोला कि भैया जो मेरा स्कूल का ग्रुप है इसको 1 साल के लिए म्यूट कर दो। तो ये तो सिर्फ एक गोलू है, न जाने ऐसे कितने गोलू होंगे जो इस चीज को लेकर परेशान है। ठीक है, तो अब इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम universities and schools are still worried about examination. This is the real problem of our education system, जहाँ exam को ज़्यादा priority जाती है as compared to knowledge. हाँ, ये हम सब जानते हैं कि exams ही वो जरिया हैं जिनसे आप knowledge को चेक कर सकते हो, but जिस जो ये अभी दौर चल रहा है, जिस तरह हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों का कितना सिलेबस पूरा हुआ है, और अगर सिलेबस पूरा हुआ भी है तो वो कितने बच्चों तक पहुँचा है। ऐसे ही और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे और इनको लेके कुछ सोल्यूशन भी होंगे। और अगर आप भी इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे आके बच्चे और डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कुछ सोल्यूशन की। देखिए, अभी ये जो प्रॉब्लम आई है सडनली आ गई है, इसके लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं था। तो आने वाले समय में ऐसी भी प्रॉब्लम ना आए, और अगर कभी ऐसा होता है तो बच्चों को एजुकेशन मिलती रहे, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के लोग होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से ये देखना पड़ेगा कि बिल्कुल गांव के लेवल पे हर एक बच्चे पे जो ये फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनके लिए ये उसके पास एक्सेसिबल हैं या नहीं, वो इन तक पहुंचा है या नहीं, उसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो अलग चीज़ है। पहले वो फैसिलिटी तक पहुँचे दो। इसको लेके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं जिन्हें आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।